हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी डिस्कस इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग। इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग के अंदर हम इलेक्ट्रॉन बीम का यूज करते हैं फॉर मशीनिंग ऑपरेशन। इसके जो मेन पार्ट्स हैं वो हैं एनोड एंड कैथोड। एनोड का यहाँ यूज किया जाता है फॉर प्रोवाइडिंग गाइडेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड कैथोड का यूज किया जाता है इलेक्ट्रॉन रिमूवल के लिए। एनोड एंड कैथोड के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस का सेटअप यूज किया जाता है उसे हम मेंटेन करते हैं 50 वोल्ट टू 150 किलो वोल्ट की रेंज के बीच में। नाउ यहाँ जो हम प्रिंसिपल यूज करते हैं इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग के लिए, वो प्रिंसिपल है कि इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को हम बहुत हाई रेट पर इंक्रीज करते हैं, देन हम उसे अगेन एंड अगेन स्ट्राइक कराते हैं बाय द यूजिंग ऑफ फोकसिंग लेंस, डिफ्लेक्शन कॉयल, एंड एंड लास्ट हम उसे हीट के फॉर्म में कन्वर्ट कराते हैं। नाउ वी डिस्कस डिफरेंट एलिमेंट्स कवर इन इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग। जो हमारा इनिशियल सेटअप स्टार्ट होता है वो एक इलेक्ट्रॉन गन से होता है। इलेक्ट्रॉन गन के थ्रू इलेक्ट्रॉन लिबरेट किए जाते हैं, इसे हम नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉन गन के जस्ट नीचे कांटेक्ट में रहता है हमारा ग्रिड कप। ग्रिड कप के अंदर एक फिलामेंट कवर है, रेड कलर से आपको रिप्रेजेंट हो रहा होगा। ये फिलामेंट हम टंगस्टन फिलामेंट का यूज करते हैं क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा होती है। इलेक्ट्रॉन गन नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट रहता है, दैट मीन्स ये एज अ कैथोड वर्क करता है। और जब हम डीसी पावर सप्लाई कराते हैं तो कैथोड के थ्रू बाय द इलेक्ट्रॉन गन यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन का क्लाउड लिबरेट होता है। जो ये हमारे इलेक्ट्रॉन लिबरेट होते हैं ये एक इलेक्ट्रॉन बीम के फॉर्म में आगे फ्लो होते हैं। देन यहाँ नीचे हमारा एनोड कनेक्ट रहता है, एनोड पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट रहता है। एनोड की जो मेन एप्लीकेशन है वो अट्रैक्ट कराता है इलेक्ट्रॉन को अपनी साइड, देन उसे एक डायरेक्शन प्रोवाइड कराता है इन लोअर डायरेक्शन में रिप्रेजेंट है, ताकि जो आपकी इलेक्ट्रॉन बीम है जो एनोड की साइड अट्रैक्ट हुई है वो आगे फ्लो हो पाए। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन बीम को एक फ्लो डायरेक्शन प्रोवाइड कराता है आगे के लिए। एनोड के जस्ट नीचे एक डायफ्राम लगा रहता है। डायफ्राम भी हमारी टंगस्टन मटेरियल की बनी होती है। डायफ्राम का काम भी सिमिलर है कि एनोड के थ्रू पास हुए इलेक्ट्रॉन बीम को और फोकस्ड कराता है। तो डायफ्राम हमारा एक स्मॉल ओपनिंग सेक्शन है जिसके थ्रू एनोड से आए हुए इलेक्ट्रॉन बीम को हम और फोकस करते हैं और आगे सप्लाई कराते हैं। यहाँ एक और सेक्शन में ऑप्टिकल व्यूइंग सिस्टम कनेक्ट है। ऑप्टिकल व्यूइंग सिस्टम के थ्रू व्यूअर ये चेकआउट करता है कि जो हमारे स्ट्राइक रेंज आगे बढ़ रही है इलेक्ट्रॉन बीम की वो प्रॉपर जा रही है, उसका फ्लो रेगुलेट सही है या नहीं है। नाउ ऑप्टिकल व्यूइंग सिस्टम के नीचे अगेन हम एक फोकसिंग लेंस का यूज करते हैं। आप देख सकते हैं डायग्राम में फोकसिंग लेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन बीम की वेलोसिटी को हम और ज्यादा इंक्रीज करते हैं और इन्हें और हाईली फोकस्ड कराते हैं। नाउ फोकसिंग लेंस के नीचे डिफ्लेक्शन कॉयल कनेक्ट रहता है। डिफ्लेक्शन कॉयल ऊपर से आ रहे इलेक्ट्रॉन बीम को डिफ्लेक्ट करती है और उसे लोकेट कराती है, फोकस्ड कराती है उस पॉइंट पर जहां पर हमें बग पीस पर उसे स्ट्राइक करना हो। बग पीस हम एक टेबल पे अरेंज करते हैं। टेबल के आउटर का ये पूरा सेक्शन एक चैम्बर में कनेक्ट रहता है जिसे हम वैक्यूम प्रोवाइड कराते हैं। वैक्यूम चैम्बर हम इसलिए प्रोवाइड कराते हैं ताकि ऊपर से जो इलेक्ट्रॉन बीम स्ट्राइक करती हैं जो कि एक हाईली वेलोसिटी की रहती हैं, कहीं यहाँ आउटर में अगर एयर पार्टिकल्स हैं तो वो एयर पार्टिकल्स से रिएक्ट करके अपनी वेलोसिटी लॉस कर देंगी। इस वेलोसिटी को मेंटेन करने के लिए हम यहाँ वैक्यूम चैम्बर प्रोवाइड कराते हैं ताकि एयर पार्टिकल्स ना रहें और जो हमारा इलेक्ट्रॉन बीम हाई टू हाई वेलोसिटी का आता है वो एग्जैक्ट रहे और वर्क पीस पर स्ट्राइक हो एग्जैक्ट लोकेटिंग पॉइंट पर। देन यहाँ से हायर अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होती है और वर्क पीस से एक्सेस अमाउंट का जो मटेरियल है वो रिमूव हो जाता है और हमें एक्यूरेट वर्क पीस मिलता है।